हरियाणा विधानसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद पूर्व मंत्री कप्तान अजय सिंह यादव और रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव ने आज कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और कांग्रेस की टिकटों की घोषणा होने से पहले ही कार्यकर्ताओं को कहा कि चिरंजीव राव 9 तारीख को नामांकन भरेंगे। रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव ने कहा कि अगर जनता इस बार उन्हें विधायक चुनती है तो वे उप मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे। कप्तान अजय यादव ने कहा कि चिरंजीव राव ही कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, ये यकीन के साथ कह रहे हैं। वहीं चिरंजीव राव ने कहा कि हर किसी की महत्वाकांक्षा रहती है, उनकी भी महत्वाकांक्षा है कि उप मुख्यमंत्री बने और ये लड़ाई अकेले उनकी नहीं दक्षिण हरियाणा की है। ऐसा है, सिटिंग MLA है और पिछली बार जो है जब यहाँ से हवा उल्टी चल रही थी और केवल अहिरवाल से केवल 2 MLA जीते थे, एक चिरंजीव राव और एक दान सिंह, तो जब कोई मैं बात कहता हूँ तो यकीन से कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ जो बात कहता हूँ यकीन से कहता हूँ। 9 तारीख शुभ है, 9 तारीख मेरी गाड़ी का नंबर है, 9 नंबर जो है चिरंजीव का गाड़ी का नंबर है। 9 का मतलब है मजबूती, 9 का मतलब है साहस, 9 का मतलब है कि जो है लकी नंबर, लकी नंबर तुम्हारा सही होता है। तो क्या आपको लग रहा है कि कोई ऐसा है, राहुल गांधी जी ने एक बात कही है कि इस बार जब टिकट का बंटवारा हो तो हर पक्ष का जो है सुनी जाएगी, और क्योंकि मैं राष्ट्रीय चेयरमैन हूँ OBC का, इलेक्शन कमेटी का मैं भी मेंबर हूँ, चिरंजीव भी मेंबर है, तो उसके तहत हम अपने साथियों की, चाहे वो पूरे हरियाणा के अंदर और मैं बल्कि महाराष्ट्र में और झारखंड में भी और J&K में भी जो हमारे पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनकी हम लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा टिकट OBC के लोगों को मिले, और यहाँ पर जो जीत जिताओ हमारे कैंडिडेट हैं उनकी मदद भी करेंगे। मैंने अपने कार्यकर्ताओं के अंदर आज बैठक यहाँ पर बुलाई थी और मुख्य रूप से आप सभी जानते हैं कि विधानसभा के चुनावों की तारीख आ गई है 1 अक्टूबर की, उसी के मद्देनज़र आज हम लोगों ने कार्यकर्ता बैठक रखी थी और सभी के बीच में जो हम लोगों ने पिछले 5 साल के अंदर काम किया उसका कहीं ना कहीं हमने रिपोर्ट कार्ड देने का काम किया रेवाड़ी की जनता को, और आने वाले समय के अंदर हमारा विजन क्या होगा, क्या हम लोगों के लिए काम करेंगे, और उसके साथ साथ इनकी जो कमियां रही हैं पिछले 10 सालों में, आज आप देखेंगे बेरोज़गारी अपने चरम के ऊपर है, महंगाई आज किस कदर बढ़ती जा रही है, भारी भ्रष्टाचार नगर परिषद में भी है, पूरे शहर में आप कहीं भी चले जाएंगे आपको भ्रष्टाचार का बोलबाला दिखेगा, बेरोज़गारी आप देखते हैं हर वर्ष डाटा आता है CMI का, उसमें बेरोज़गारी में हरियाणा सबसे ऊपर आता है, आज गंदगी के ढेर हैं, बेसहारा पशु आपको पूरे शहर में नज़र आते हैं, तो उन सब चीज़ों की बातें हमने लोगों के बीच में रखी है और सबसे हमने आग्रह ये किया है कि हम सब लोग मिलके एक बार फिर लोगों के बीच में जाएं और हमारे जो काम है लोगों तक बताएं और कांग्रेस पार्टी का जो हमारे काम है उनके बारे में, उनकी नीतियों के बारे में लोगों में प्रचार करें। मैंने ये कहा कि अगर यहाँ की जनता मुझे चुनती है तो मैंने उस बात को कहा, और मैं ये कहता हूँ महत्वाकांक्षा तो हर व्यक्ति की होती है, आपकी भी महत्वाकांक्षा होती है कि मैं अपने चैनल को और आगे लेके जाऊँ, तो मेरी भी महत्वाकांक्षा है कि भाई हम लोगों के लिए काम करें, और ये लड़ाई मेरे लिए अपने लिए नहीं है, ये लड़ाई जो है ये रेवाड़ी के लिए और दक्षिण हरियाणा की लड़ाई है। देखिए रेवाड़ी की जनता ने तब भी मुझे यहाँ से जिताया था जब 75 पार की हवा देश के अंदर चल रही थी, जब हमारे खुद मुख्यमंत्री जी यहाँ 3 बार आए थे, हमारे सांसद रविंदर जीत जी ने इतने दिन यहाँ प्रचार किया, हमारे अमित शाह जी यहाँ पर आए और आखिरी दिन नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आए, तब भी लोगों ने मुझे चुनकर भेजा और तब तो 75 पार का नारा चल रहा था, और अब की बार कहीं ना कहीं इनके विपरीत हवा चल रही है, आज पूरे हरियाणा के अंदर एक बात है कि कांग्रेस पार्टी का 75 पार का नारा चल रहा है, तो मुझे लगता है कि अब की बार हमारा जो चुनाव है मजबूती के साथ लड़ेंगे और उसको जीतने का काम करेंगे। सतीश यादव जी पहले तो अपनी पार्टी के अंदर वो लड़ाई लें टिकट के लिए, उनका लगता है मुझे अपनी पार्टी में उनका 5वां 6वां नंबर है, वो क्या किसी को 3रे पे भेजेंगे, वो व्यक्ति जो अपनी पार्टी में टिकट के लिए 5वें 6वें नंबर पे है वो क्या किसी को 3रे भेजेगा,